Hello kids, how are you all? Hope you are fit, fine, healthy and hope you all are enjoying. Kids, today ma'am is going to teach you chapter number 13 and this is our second session for chapter number 13. हम chapter number 13 कर रहे थे measuring of weights. तो हमने क्या करना था, हमने सीखा था इसमें kg and grams. सीखा था kg, 1 kg में कितने grams होते हैं? 1 kg is equals to 1000 grams. तो अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें कोई हेवी चीज़ का वेट करना हो, कोई भारी चीज़ का वेट करना हो, तो हम किससे करते हैं? केजी में करते हैं या ग्राम्स में? नाइस, हम करते हैं केजी में. और अगर हमें कोई लाइट चीज़, थोड़ी सी चीज़ों का ही वेट करना हो, तो किस में करते हैं? ग्राम्स में. ठीक है, और 1 kg में ग्राम्स कितने होते हैं? 1000 ग्राम्स. ये हमने करा था फर्स्ट क्लास में. अब क्या करेंगे? अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ वेट्स, कि उनको ऐड कैसे करा जाता है. सिंपल है, केजी एंड ग्राम या तो ऊपर लिखा हो सकता है या बाद में लिखा हो सकता है डिजिट्स के बाद. आपको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. अगर साइड में लिखा है तो जो भी लिखा है आपको वही नीचे कॉपी करना है, एंड अगर ऊपर लिखा है फिर तो हमें कुछ कॉपी नहीं करना होता, सिंपल एडिशन करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मैम ने यहाँ पे पेज ओपन कर लिया है. ऐड दी फॉलोइंग, ऐड करना है, सिंपल करना शुरू करें. चलो, यहाँ ग्राम ग्राम लिखा है तो यहाँ आप भी लिख दोगे ग्राम. ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लिखा है? 6, 1 and 0. यहाँ पे 3 digits हम, तो क्या प्रॉब्लम है? पहले हम 2 कर लेंगे ऊपर की, फिर उसके बाद नीचे की थर्ड वाली ले लेंगे. बट नीचे तो यहाँ 0 है ना, तो इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. 6 in my pocket, 1 in my hand and after 6, 7. तो यहाँ पे लिखोगे आप 7. इस साइड देखो, 1 in my pocket, 2 in my hand and after 1, 2, 3. तो इन दोनों को प्लस करके क्या आया? 3. यहाँ साइड पे छोटा सा लिख लो. अब 3 in my pocket and 5 in my hand after 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो आंसर आपका क्या आया? 87 grams. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर. यहाँ क्या लिखा है? ग्राम 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 लिखा है ना, तो आप भी यहाँ पे लिख दोगे पहले तो ग्राम. ठीक है, आप एडिशन करते हैं. यहाँ तो 0 है, तो 0 में तो कुछ ऐड ही नहीं होगा. 8 in my pocket and 5 in my hand after 8, 9, 10, 11, 12 and 13. तो 3 यहाँ आएगा एंड 1 ऊपर कैरी हो जाएगा. ठीक है, तो 1 plus 2, 1 के बाद 2, 3. तो इन दोनों को प्लस करके आया 3. 3 in my pocket, 1 in my hand and after 3, 4. तो आंसर बेटा आपका आया 43 grams. ठीक है, सेम एज ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट आप करोगे होमवर्क में. ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं. नेक्स्ट लाइन में जैसे यहाँ पे ग्राम्स था, अब यहाँ पे किलोग्राम्स है नॉर्मल, तो कोई बात नहीं, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है. किलोग्राम का किलोग्राम कॉपी कर देंगे और इन्हें प्लस कर लेंगे. 7 in my pocket and 9 in my hand and after 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 यहाँ पे लिखोगे, 1 कैरी कर दोगे. 1 को आपने कैरी करा. 1 plus 5, 5 plus 1 क्या होता है? 6. 6 plus 4, 6 in my pocket and 4 in my hand after 6, 7, 8, 9, 10. इन तीनों को प्लस करके अभी तक क्या आया? 10. एंड 10 के बाद नीचे क्या लिखा है? 1. 10 plus 1, 11. तो 1 यहाँ पे लिखोगे, 1 ऊपर कैरी कर दोगे. ठीक है, तो 1 plus 1, 2. 2 in my pocket, 2 in my hand after 2, 3, 4. यहाँ तक प्लस करके क्या आया? 4. 4 in my pocket, 1 in my hand. तो यहाँ पे आंसर क्या आया? 5. तो आंसर इज 516 kg. ठीक है, अब इसकी तरीके से ये वाला भी एंड ये वाला, तीनों सेम है, तो 3 ऑफ देम आर इन होमवर्क. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. इन द गिवन वेट्स आर इन कंबाइंड यूनिट्स. अब कंबाइंड में गिवन है तो क्या प्रॉब्लम है? अब क्या है, अब बाद में नहीं लिखनी डिजिट, अब ये ऊपर लिखा हुआ है किलोग्राम ग्राम,
तो ये तो मैम आपको वन करके दिखाएंगी, बाकी आप कर लोगे, है ना? बहुत इंटेलिजेंट है आप। चलो, 9 इन माई पॉकेट, 7 इन माई हैंड, आफ्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो 6 लिखोगे यहाँ पे, 1 लिख कर दोगे कैरी, 2 प्लस 1, 3, 3 इन माई पॉकेट एंड 9 इन माई हैंड, आफ्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो यहाँ पे आया 2, 1 को कर दो यहाँ पे, 6 प्लस 1, 7, 7 इन माई पॉकेट एंड 4 इन माई हैंड, आफ्टर 7, 8, 9, 10, 11, 1 यहाँ एंड 1 कैरी, 5 प्लस 1, 6, 6 इन माई पॉकेट, 5 इन माई हैंड एंड आफ्टर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो फिर से यहाँ पे 1, 1 कैरी, 1 प्लस 1, 2, तो 2 इन माई पॉकेट एंड 3 इन माई हैंड, आफ्टर 2, 3, 4, 5। तो आपका आंसर क्या आया, 511 किलोग्राम एंड 26 ग्राम्स। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है, आपको एडिशन का यहाँ तक होमवर्क कंप्लीट करना है, यहाँ सारे तक आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? होमवर्क नोटबुक में, बुक में कंप्लीट करेंगे साइड बाय साइड, बिकॉज फिर क्या होगा, वर्क इतना सारा हो जाएगा। ठीक है, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, थैंक यू।